रेड क्रॉस सोसाइटी पालमपुर को प्रदेश सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है और संस्था के क्रियान्वयन के लिए सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में एक कमरा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने रेड क्रॉस मेले के समापन में लोगों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस कार्यालय के लिए सभी प्रकार का जरूरी फर्नीचर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही विपिन सिंह परमार ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में मरीजों के तामीरदारों के लिए सुबह का नाश्ता और एक समय के भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करने की सुविधा भी आरंभ की जा रही है। मंजिल भी सामने दिख रही है। ये हमारी बहनें जिस काम को लेकर के वर्षों से जिन्होंने दिया जलाया था, कि हम लोगों के काम, लोगों की सेवा जरूरतमंद के साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं। इसलिए रेड क्रॉस सोसाइटी के निमित्त यहां पर काम करते रहे और यहां पर बताया गया कि जिन गांव में जाकर के, जिन घरों में जाकर के लोगों के आंसुओं को पहुंचने का काम निस्वार्थ भाव से किया, जरूरतमंद के साथ खड़ा होकर के उसकी सहायता की, यानी मैं ये कह सकता हूं इस संस्था व इस संस्था में काम करने वाले जितनी हमारी बहनें मंच पर हैं या इस मंच से नीचे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूं समाज में निष्काम कर्म भाव से काम करने वाले बहुत कम दिखते हैं और कुछ लगाने के बाद तुरंत सोचते हैं मुझे क्या मिला, मैं जिस काम को कर रहा हूं मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये भावना निरंतर खत्म होती जा रही है और इस भावना को जो हमारा रेड क्रॉस संस्था पालमपुर की है, उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है कि कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ यही है कि मैं अगर किसी व्यक्ति के काम, किसी का सहारा बन सकूं। और किसी ने ठीक कहा, आज लोग मंदिरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी बना रहे हैं, पर सही मायने में मंदिर में देवता जो बैठे हैं वो तो तभी प्रसन्न होंगे जब किसी लाचार व्यक्ति के लिए हम काम कर देंगे, तो भगवान नाराज नहीं होंगे, भगवान खुश होंगे। चाहे मंदिर में हम सुबह शाम जितनी घंटी बजाते रहे, पर क्या हम ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ रहे हैं? जरूरत पड़ने पर क्या उसका सहारा बन रहे हैं? जरूरत पड़ने पर क्या हम उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे हैं? लोग कई बार हमें भी पूछते हैं, आप मंदिर कितने बार जाते हैं? हमने कहा कि मंदिर जाते हैं, भगवान के प्रति आस्था जरूर है, पर अगर जरूरतमंद व्यक्ति के काम हम अगर आ जाते हैं तो मन में यह विश्वास होता है कि भगवान को हमने प्रसाद लगा दिया। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिनास की रिपोर्ट।